हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारे चैनल बोल फटाफट में। तो दोस्तों, सीजन का पहला वीकेंड का वार, और पहले वीकेंड के वार पर ही जो सलमान खान को मजबूर होना पड़ा अपनी दबंगाई दिखाने के लिए। भाई, कंटेस्टेंट ने कर दिया उनको मजबूर, और यहाँ तक कि सलमान खान ने दूसरी बार जो है भाई इस पूरे बिग बॉस के जितने भी सीजन हुए उसमें गाली देने पर मजबूर हुए। पहले उन्होंने गाली दी थी भाई जुबेर खान को बिग बॉस सीजन 11 में, और दूसरी गाली यहाँ पर वो देने के लिए मजबूर हुए प्रतीक सहजपाल को। तो इस चीज को देखकर मुझे लग रहा है जय भानुशाली को कहीं बढ़ावा ना जाए कि भाई मैंने भी माँ की गाली दे दी, सलमान खान ने भी माँ की गाली दे दी, चलो भाई साहब किताब बराबर। लेकिन प्रतीक की क्लास रखते हुए तो आपने देख लिया, लेकिन भाई जय भानुशाली ने जो प्रतीक सहजपाल को बोला था डेढ़ फुटिया, उसको लेकर भी सलमान खान पूरी तरह से जो है उसके ऊपर बरस रहे हैं। भाई विशाल कोटियान के ऊपर, भाई ये तू क्या कर ले रहा है भाई? ठीक है ना, तू अपना गेम खेल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मस्त एकदम बिंदास, लेकिन ये तू क्या कर ले रहा है यार? मेकर्स के ऊपर तू सवाल उठा रहे है भाई कि भाई तुम जो है शो में क्या कर रहे हो? तो भाई सलमान खान विशाल कोटियान की भी अच्छे से क्लास ले रहे हैं कि ठीक है ना यार, तुम अपना गेम खेल रहे हो, अच्छे से खेलो, लेकिन मेकर्स के ऊपर सवाल मत उठाओ कि तुम ये दिखाने की हिम्मत रखते हो या नहीं रखते। भाई मैं खुद इनके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, तो तुम कौन होते हो सवाल उठाने वाले? वही करण कुंद्रा की भी क्लास लेते हुए सलमान खान नजर आएंगे आपको, और करण कुंद्रा को सलमान खान बोलते हुए नजर आएंगे कि आप कौन होते हैं, घर की अंदर की प्रॉपर्टी जो है मैट्रेसेस अंदर से उठाकर बाहर लेकर आने वाले। तो ये सब कुछ जो है आपको कल वीकेंड के वार में दिखाई देगा। अब चलिए कर लेते हैं कुछ आज की बात। आज जो दोस्तों हुआ है शो में मायशा और निशान, मायशा और निशान का भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ये कैसा प्यार है? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, बचपन का प्यार तो ये लग नहीं रहा है। अभी आए हुए करीब करीब इनको मतलब 4 दिन नहीं हुए, जुम्मा 4 दिन नहीं हुए भाई, और इनको आपस में प्यार हो गया है। और ईशान मतलब इतनी बॉडी बना के ये लड़का कर क्या रहा है? मतलब उसके पैरों में बिछा जा रहा है, गिरा जा रहा है, पड़ा जा रहा है मायशा के अंदर। यार थोड़ी तो अपनी इमेज रख ले, इतनी क्यों इमेज अपनी डाउन कर रहा है? मतलब गिरा ही जा रहा है एक लड़की के अंदर, एक लड़की के बल पे गेम खेलना चाह रहा है, यहाँ पर बॉडी शॉडी बनाकर है, और लड़की के दम पर जो है तो आगे जाने चाह रहे हैं, कुछ काम का नहीं है। और मतलब प्यार व्यार बढ़ रहे हैं इनके अंदर, पता नहीं पेट में क्या लेकर घूम रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आज मुझे ईशान का पेट भी थोड़ा बार बार निकला हुआ दिख रहा था, समझ नहीं आ रहा वो क्या लेकर घूम रहा था पेट में, देखेंगे कल ध्यान से। और भाई ये जो कैप्टनसी वाला टास्क हुआ था, इसको लेकर सबसे ज्यादा किसकी जली है? सोचो किसकी जली है सबसे ज्यादा जली है निशांत भट्ट की। भाई वो सोच रहा है मैं घर में सबके तलवे चाट रहा हूँ, मैं करण कुंद्रा के तलवे चाट रहा हूँ, जय भानुशाली के तलवे चाट रहा हूँ, उच्मिता शेट्टी के तलवे चाट रहा हूँ, विशाल के तलवे चाट रहा हूँ, और इन लोगों ने सबसे पहले मुझे कैप्टनसी से बाहर किया है। मतलब पूरी तरह से जली, क्या जली फूकी सब पड़ी हुई है निशांत भट्ट की। भाई वहीं पर डोनल का गेम कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है, अगर आपको भी समझ में आ रहा हो। डोनल ने भैया बाहर ही देख लिया होगा कि तेजस्वी के फैन फॉलोइंग जो है वो भरपूर, मतलब माशाल्लाह भाई लड़की में है दम इतना है, एंटरटेन करती है फुल एकदम, और लेट इट गो वाली क्वालिटी भी है उसके अंदर की, चल जाओ वो छोड़ो। लेकिन डोनल में परसों से नोटिस करी कि डोनल बार बार आ रही है और जानबूझ के जो है तेजस्वी से भिड़ रही है, आती है घूम फिर के आते तेजस्वी से भिड़ने लग जाते। तो कहीं ना कहीं वो ये टीआरपी लेना चाह रही है कि भाई तेजस्वी की इतनी फैन फॉलोइंग है तो मैं घर में इसी से भिड़ लूं और इसी के सहारे जो है मैं आगे चलती जाऊं। ये गेम जो है मुझे डोनल का जो है साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भाई अफसाना भाई, मुझे तो ऐसा लगा घर में एक नहीं दो गोरिल्ला है, मतलब एकदम से अगर ये फैल जाते ना तो भैया फैल ही जाते पूरी तरीके से। तो और आज तो ये शिमिता शेट्टी के ऊपर चढ़ गई, तू कैप्टन बन गई भाई, तू कैप्टन बन गई, और घर के रूल तू ही फॉलो नहीं कर रही, इंग्लिश बोल रहे, तो भाई जब तक तू इंग्लिश बोलना नहीं छोड़ेगी तब तक मैं घर में सोती रहूंगी। भाई मैंने भी घर में जो है पूरी हड़ताल कर दी है, मैं सोऊंगी और खाऊंगी, बस कुछ नहीं करूंगी जब तक तू इंग्लिश नहीं छोड़ेगी। मुझे लिख के दिखा दे स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ कि कहां पर थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकता है, मतलब पूरी बगावत कर दी उसने शिमिता शेट्टी की कैप्टनसी को लेकर। भाई जब विशाल कोटियान बीच में आने की कोशिश करता है, उमर रियाज बीच में आने की कोशिश करता है, उमर रियाज को भी कहते हैं भाई मुझे डॉक्टरी, मतलब इसको कुछ समझ ही नहीं आता यार। करण कुंद्रा बैठे बैठे समझाता रहता है, जय भानुशाली बैठे बैठे समझाता रहता है, तो मुझे घर में नहीं भाई दो गोरिल्ला दिखाई दे रहे जिनका दिमाग जो है वो बहुत कम काम करता है। और ये जो बाहर से गोरिल्ला आता है ना इसके अंदर, तो मुझे पक्का लग रहा है विकास गुप्ता है, खुलेगा इसके ऊपर से भी पर्दा उठेगा। और भाई ये जो अफसाना खान के सामने कर रहे हैं ना मायशा और ईशान, मतलब अफसाना ने पहली स्टेज पे बोल दिया था कि भाई वो तो प्यार की भूखी है। तो जैसे राखी कर रही थी ना पूरे सीजन में कि भाई रितेश को बुलाओ, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है ये अफसाना खान भी यही करने वाले, भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये सारे 16-17 साल के लड़के हैं और ये आपस में इतना प्यार श्यार लव शव यहाँ पे चल रहा है, तो भाई मेरे भी सांझ को बुलाओ, या मुझे सांझ के पास भेजो या फिर सांझ को मेरे पास बुला लो। तो मुझे लग रहा है कि बिग बॉस नवंबर में इन दोनों की शादी ना यहीं पर ना करवा दें। तो भाई वीकेंड का वार जो है कल वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। पहले वीकेंड के वार पर नॉर्मली जो सीजन में होता है कि मतलब
सलमान खान आते हैं, सबसे हंसते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इस बार सबने जो है बिग बॉस को, सलमान खान को सॉरी, उनकी दबंगाई दिखाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं कल हम आपको एक नए रिव्यू के साथ।